नमो नमः प्रथमं भगवति नमो नमः कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः माता शक्ति नमो नमः। बुआ, रात भर हम निद्रा नहीं ले पाए। किंतु आप रात भर जागे क्यों? रात्रि में हम सखा अर्जुन के कक्ष में विश्राम कर रहे थे एवं समस्त रात्रि उनका ही स्मरण आता रहा, इस कारण निद्रा नहीं हो पाई। कोई सखी? सखी के नाम पर केवल हरिता बहन है। हरिता आचार्य द्रोण की पत्नी। कृपी के मृत्यु के पश्चात आचार्य द्रोण ने पुत्र अश्वत्थामा के लिए दूसरा विवाह करने का निर्णय किया। विवाह से पूर्व कन्या से मुझे कुछ वार्ता करनी है। क्षमा चाहता हूं। किंतु विवाह से पूर्व अपने हृदय की एक बात आपसे कहना चाहता हूं। मैं अपनी स्वर्गवासी पत्नी कृपी से अत्यंत प्रेम करता एवं आज भी करता हूं। उसका स्थान मैं किसी और को नहीं दे सकता। मैं एकल स्त्री संबंध में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं। अतः आपके साथ विवाह तो कर सकता हूं, किंतु आपके साथ संसार नहीं बसा सकता। एक स्त्री के लिए इतना प्रेम देखकर हरिता बहन का स्त्री मन द्रवित हो उठा। विवाह के मंडप में बैठी एक नारी ऐसी स्थिति में कर भी क्या सकती है? नारी की इच्छा अपेक्षा कौन पूछता है? विवाह से पूर्व द्रोण ने हरिता से जो भी कहा हो, किंतु असल कारण ये था कि द्रोण नहीं चाहते थे
उनके पुत्र अश्वत्थामा को वी माता मिले। उन्हें भय था कि यदि उनसे हरिता को संतान हुआ तो हरिता का स्नेह अश्वत्थामा के लिए स्वतः कम हो जाएगा एवं हरिता स्वयं से उत्पन्न संतान में अधिक ध्यान देगी। द्रोण ऐसा नहीं चाहते थे, इस कारण पुत्र मोह में उन्होंने हरिता के साथ ऐसा निर्णय लिया। विवाह के पश्चात हरिता का जीवन एक सेविका एवं माता के रूप में व्यतीत होने लगा। तुम्हारा जन्म तो पिता का प्रतिशोध लेने एवं मुझसे शत्रुता निभाने के लिए हरिता ने अपना समस्त जीवन एक तरफ द्रोण का समर्थन एवं सेवा में व्यतीत किया। उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से अश्वत्थामा की परवरिश की एवं उन्हें एक माता का स्नेह दिया।
पत्नी एवं दाम्पत्य जीवन जीकर भी हरिता बहन पूरी जीवन ब्रह्मचार्य रही। मैं बहन हरिता से मिलना चाहती हूँ ऋतुवती। देखिए मेरे साथ कौन आया है। ये है माता कुंती की पुत्रवधू। एवं पांडवों की पत्नी द्रौपदी। आपसे मिलने की प्रबल इच्छा थी, ऋतुवती के कारण ये इच्छा पूर्ण हुई। हम आपके दर्शन पाकर धन्य हुए। अश्वत्थामा की मां, अश्वत्थामा की मां। तुम्हारा जन्म तो पिता का प्रतिशोध लेने एवं मुझसे शत्रुता निभाने के लिए अश्वत्थामा की मां, अश्वत्थामा की मां। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, तुम्हारा जन्म तो पिता का प्रतिशोध लेने एवं मुझसे शत्रुता निभाने के लिए अतः तुम मेरे आवास में क्या कर रहे
आचार्य, हमारे जन्म से पूर्व की किसी भी परिस्थिति के लिए हम कैसे दोषी हुए? आपकी शत्रुता हमारे पिता द्रुपद से है। स्मरण रहे आचार्य, हमारे पिता से शत्रुता से पूर्व आप उनके बाल सखा थे, उनके मित्र थे। किंतु मित्रता मैंने नहीं, तुम्हारे पिता द्रुपद ने भंग की है। स्वीकार, हम स्वीकार करते हैं, किंतु इसके लिए आपने हमारे पिता को दंड भी तो दे दिया है, एवं आप उनसे उनका अर्ध राज्य ले चुके हैं। आचार्य, यदि आपके हमारे पिता से शत्रुता है तो हमारे पतियों से घनिष्ठता भी तो है। यदि हम द्रुपद की पुत्री हैं जो आपके शत्रु हैं, तो हम पांडवों की पत्नी भी तो हैं जो आपके शिष्य हैं, एवं अर्जुन, अर्जुन तो आपके सर्वप्रिय हैं। गुरुदेव, इस नाते तो हम आपकी पुत्रवधु हुई, आशीर्वाद दें गुरुदेव। सौभाग्यवती भव। विदुषी हो, संस्कारी हो, प्रशंसा के लिए धन्यवाद। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी एवं हमारे पिता की शत्रुता समाप्त हो जाए, एवं आप दोनों पुनः मित्र बन जाएं। कुछ विषय भविष्य के लिए भी छोड़ देनी चाहिए पुत्री। द्रौपदी, तुम ऋतुवती के साथ विराजो, हम अभी इन्हें भोजन देकर आते। आप अपने कार्य समाप्त करें, हम बाद में आ जाएंगे। पुनः आने का वचन दो, तभी जाने देंगे। अवश्य आए। सुबह से गई और अब संध्या के समय आप वापस आ रही, इतना विलंब। मैंने आपसे कहा था कि हम द्रौपदी से मिलने इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं। और कैसी रही भेंटवार्ता? भेंटवार्ता तो बहुत अच्छी रही, एवं इसके पश्चात मैं और द्रौपदी आपकी गुरुपत्नी से मिलने गए थे, इसी कारण विलंब हुआ। क्या द्रौपदी हमारे बारे में कुछ पूछ रही थी? नहीं, आपके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई।
हमें प्रसन्नता है कि आपकी मित्रता द्रौपद नंदिनी द्रौपदी से। द्रौपदी विदुषी एवं आद्वित्य नारी है। राजकुमारी, हस्तिनापुर के आचार्य गुरु द्रोण की पत्नी हरिता आई है। देवी हरिता, कहाँ है वो? और तुम यहाँ उन्हें कक्ष में क्यों नहीं लाए? अच्छा चलो, हम स्वयं उनके स्वागत के लिए चलते हैं। उनका स्वागत तो आपके सभी पति कर चुके हैं। जैसे ही आपके पतियों को ज्ञात हुआ कि उनकी गुरु माता आई है, वे भागते हुए उनके स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर पहुंच गए एवं उन्हें अपने कक्ष में ले गए हैं। द्रौपदी, भीम के साथ आज आपका दाम्पत्य वर्ष समाप्त हुआ एवं कल से अर्जुन के साथ आपका दाम्पत्य वर्ष आरंभ हो रहा है।